दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एओसी आर्मी के बारे में और अग्निवीर आर्मी के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सी जॉब अच्छी है, ठीक है, कौन सी अच्छी है, सैलरी कितनी है, छुट्टी कितनी है, जॉब कहां पर आपकी लगेगी अगर आप अग्निवीर में हो जाओगे, जॉब कहां पर लगेगी अगर आप एओसी में हो गए तो जॉब कहां पर लगेगी, और आपको छुट्टी वगैरह कितनी मिलेगी, भर्ती कैसे होती है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इन दोनों के अंतर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सी अच्छी है, किसमें आपको पहले ट्राई करना चाहिए। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लड़के आर्मी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, आर्मी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जहां पर आपको सबसे पहले जानकारी दी जाती है। अग्निवीर की भर्ती आए या आर्मी एओसी की भर्ती आए तो आपको सबसे पहले जानकारी आर्मी दोस्त चैनल पर दी जाती है, सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, भर्ती कैसे होगी आपकी। सबसे पहले बात करते हैं एओसी की, एओसी आर्मी की भर्ती कैसे होगी। सबसे पहले आपका फिजिकल दौड़ वगैरह होगा, उसके बाद आपका आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एओसी में सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका एग्जाम होगा, फिर आपका नॉर्मली मेडिकल होगा, मतलब कि नॉर्मल मेडिकल होगा आपका, आपका शरीर देखा जाएगा कि कहीं आपकी हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी, ठीक है। अगर नॉर्मल आपका दोस्तों शरीर में कोई फ्रैक्चर है तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा मेजर फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है, इस हिसाब से आपका एओसी में भर्ती होगा। अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर आर्मी में ऑनलाइन एग्जाम होगा पहले आपका, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका एक टफ मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ऐसे भर्तियां आपकी होंगी, अगर आप अग्निवीर में जाओगे तो इस प्रकार होगी, अगर आप एओसी में जाओगे तो इस प्रकार आपकी भर्ती। दोस्तों अगर आप एओसी में जाना चाहते हो तो अगर आप दसवीं पास हो या बारहवीं पास हो तो आपको सबसे पहले ट्रेडमैन की पोस्ट मिलेगी एओसी में, जो दसवीं पास आती है, सिंपल दसवीं पास पोस्ट आती है, और फायरमैन की पोस्ट आती है। आप एओसी में ट्रेडमैन या फायरमैन, एक दो पोस्ट और होती है उनमें भर्ती आप हो सकते हो, ठीक है। फायरमैन में आपको सबसे ज्यादा ट्रेडमैन या फायरमैन की भर्ती देखने को ही मिलेगी। अगर आप अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हो तो आप जीडी के पद पर, ठीक है, क्लर्क के या टेक्निकल या ट्रेडमैन के पद पर भर्ती हो सकते हो, ठीक है। अगर आपको एओसी में होना तो ट्रेडमैन फायरमैन में भर्ती हो सकते हो, और अग्निवीर में आप जीडी क्लर्क टेक्निकल और दोस्तों ट्रेडमैन में भर्ती हो सकते हो। दोस्तों बात करें जॉब लोकेशन की, जॉब लोकेशन की, जॉब कहां पर आपकी लगेगी। अगर आप एओसी में भर्ती हो जाते हो तो आपको कहीं भी जॉब दे सकते हैं, वो कहीं भी आपकी जॉब लगा सकते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया में कोई भी राज्य में आपकी जॉब लगा सकते हो एओसी में। अगर अग्निवीर में अगर आप भर्ती हो जाते हो तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो कहीं भी हो सकती है, किसी भी राज्य में आपकी दोस्तों जॉब लग सकती है, ठीक है। दोस्तों बात करें हॉलीडेज, मतलब की छुट्टी की, छुट्टी कितनी मिलेगी आपको। अगर आप एओसी में हो जाते हो तो आपको एक साल में 90 दिन की छुट्टी मिलेगी, 90 दिन की छुट्टी मिलेगी आपको, 3 महीने की छुट्टी मिलेगी, 12 महीने में 3 महीने की छुट्टी आपको मिलेगी, वो आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, ठीक है, एक साल में आप 90 दिन अपने हिसाब से काट सकते हो। और आपको जो दोस्तों अग्निवीर में छुट्टी मिलेगी वो सिर्फ 30 दिन मिलेगी एक साल में, एक साल में एक महीना छुट्टी मिलेगी, 12 महीने में से आपको एक महीना छुट्टी मिलेगी, छुट्टी बहुत ही कम है अग्निवीर आर्मी में, एक साल में एक महीना छुट्टी, तो काफी कम छुट्टी है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी, आपको सैलरी पैसे कितने मिलेंगे। अगर आप एओसी में भर्ती हो जाते हो तो आपकी लगभग दोस्तों 19,000 से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी, ठीक है, 19,000 से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। जब आपका फर्स्ट महीना होगा तो आपको 19,000 मिलेंगे, और जब तक आप जॉब करोगे, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी और 60,000 प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी दोस्तों। जैसे जैसे आप सैलरी करोगे 60,000 से ज्यादा आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। और बात करें अग्निवीर की, तो अग्निवीर की आपको 21,000 सैलरी मिलेगी शुरुआत में, और जब आप घर आओगे तो आपको 40,000 तक सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये दोस्तों सैलरी है अग्निवीर की 4 साल की, ठीक है। अगर आप रेगुलर हो जाते हो तो फिर आपको रेगुलर वालों की जैसी सैलरी मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं जॉब टाइम, कितने टाइम के लिए आपको भर्ती किया जाएगा। अगर आप एओसी में भर्ती हो जाते हो तो आपको 60 साल के लिए, 60 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, ठीक है, 60 साल आपको जॉब करनी है एओसी में, ठीक है। एओसी में आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, आपको सिविल यूनिफॉर्म मिलेगी, ठीक है। अगर आप फायरमैन में हो जाते हो तो आपको खाकी वर्दी मिलेगी, जैसे फायरमैन पुलिस वालों की वर्दी होती है वैसे आपको फायरमैन में भर्ती, मतलब कि आपको वो मिलेगी यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर आप अग्निवीर में भर्ती हो जाते हो तो आपके आपको 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, ये मैं अग्निवीर का बता रहा हूँ। 4 साल के बाद अगर आपको दोस्तों रेगुलर किया जाता है तो फिर वो आप रेगुलर आर्मी में हो जाओगे। अगर आपको सिर्फ अग्निवीर करनी है तो आपको 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, आगे आप पे डिपेंड करता है, और आगे आपकी सिलेक्शन होती है या नहीं वो आर्मी पे डिपेंड करता है, वो आपकी दोस्तों फिर रेगुलर भर्ती हो जाएगी, फिर आप अग्निवीर नहीं रहोगे।
अग्निवीर के लिए 4 साल की। ये थी दोस्तों जानकारी, कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।